अंजुमन इस्लामिया स्कूलच्या वतीने फूड फेस्टिवलचे आयोजन करण्यात आले होते. शाळेतील मुलामुलींना योग्य वेळेतच त्यांच्या कलागुणांना वाव दिली तर निश्चितच भविष्यामध्ये आपल्या जीवनात यशस्वी होऊन आनंदाने ते जगू शकतात अशा या मुलांच्यासाठी म्हणून अंजुमन इस्लामिया प्रशासकीय मंडळाने फूड फेस्टिवलचा उपक्रम राबून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव दिली आहे. स्वतः बनवून विद्यार्थ्यांनी अनेक फराळ व वेगवेगळे चवदार खाद्यपदार्थ बनवून या फेस्टिवलमध्ये मांडण्यात आले होते. यावेळी काँग्रेस पक्षाचे उत्तर विभाग वरिष्ठ नेते राजू शेठ यांनी या फेस्टिवलला भेट देऊन विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या पदार्थांची पाहणी करून कौतुक केले. आज अंजुमन इस्लाम के डेट फॉर्म हायस्कूल तरफ से एक फूड फेस्टिवल बच्चों ने अपने घरों से कुछ ना कुछ बना के लेके आए. एक मौका रहता है कि जहाँ टीचर्स पेरेंट्स और बच्चे मिलते हैं और बच्चे जो जो खुद पका सकते हैं जो उनके पेरेंट्स हेल्प करते हैं उनको भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है इसके तरफ से एंड दे एंजॉय देमसेल्व्स एज ऑन होल. हमें यही खुशी होती है जब बच्चों की मुस्कुराहट देखते हैं उनकी खुशी देखते हैं. जिंदगी में और कौन सी बड़ी चीज़ है इससे ज़्यादा जो बच्चे बड़े होते रहे और मुस्कुराते हुए बड़े हो खुशी से बड़े हो स्टडी करें साथ ही साथ उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो हर चीज़ सीखना ज़रूरी है. और यहाँ पे जब ये हम इंटर ये जब इन स्कूल जो फूड का बच्चे बनाते हैं फेस्टिवल करते हैं तो सभी पेरेंट्स भी आते हैं पेरेंट्स भी आप एक दूसरे में मिलते हैं टीचर्स भी उनसे मिलते हैं एंड एज अ होल इट इज लाइक द फेस्टिवल इट इज जस्ट लाइक अ फेस्टिवल लेट देम चिल्ड्रन एन्जॉय एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. मुलींच्या जीवनात लहानपणापासूनच खाद्यपदार्थ बनवण्याची सवय लावली तर निश्चितच त्यांच्या कलेला वाव मिळतो. या फेस्टिवलच्या दरम्यान विद्यार्थी चेहऱ्यावरती एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद घेत या फेस्टिवलच्या माध्यमातून पुढे सरकत असल्याचे राजू शेठ यांनी यावेळी सांगितले आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव.